नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं शुभम्स का प्यारा सा एक वीडियो। देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है एक बहुत ही प्यारी बहुत ही यूनिक लोकेशन में बने हुए 2 बेडरूम और 3 बेडरूम अपार्टमेंट का ये वीडियो होने वाला है, जो कि लोकेटेड है अजमेर रोड जयपुर के अंदर। मेन अजमेर रोड से मैं बात करूँ मात्र 20 मीटर 30 मीटर की दूरी पर ये लोकेटेड है। अगर मैं बात करूँ मेन 200 फीट से तो मात्र और मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर दूरी पे लोकेटेड है। देखिए सामने की तरफ आप देखेंगे खूबसूरत से अपार्टमेंट का फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से बाहर की बालकनी में आप देख पा रहे होंगे। टफन ग्लास के साथ शानदार सी बालकनी का स्पेस भी यहाँ पे निकाला गया है। सामने की तरफ आपको मिल जाती है यहाँ पे 60 फीट रोड। और बात करें यहाँ पे 2 और 3 बेडरूम दोनों अपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बात करें एमिनिटीज़ की, लेकिन उससे पहले आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए ये जो जगह है यहाँ पे आपको कम्प्लीटली एक स्लाइडिंग गेट दिया जाएगा, जो कि आपकी गाड़ियाँ जो है आराम से निकल सके अंदर जा सके उसके लिए। और चारों तरफ की बात करें तो देखिए जो आप देख पा रहे हैं ड्राइववे रहेगा, जो कि चारों तरफ ड्राइववे यहाँ पे बनाया गया है। टोटल अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल यूनिट्स 30 यूनिट यहाँ पे बनाए के दी जाएगी जाने वाली है आपको, और 2 और 3 दोनों यहाँ पे यूनिट्स होने वाली है। पार्किंग के स्पेस की बात करूँ ईजिली आपकी 30 गाड़ियों के हिसाब से काफ़ी अच्छी पार्किंग का स्पेस यहाँ पे निकाल के दिया गया है। और बात की जाए यहाँ पे देखिए रूफ टॉप गार्डन जिमनेजियम चिल्ड्रंस प्ले एरिया ये सभी चीज़ें एक सभी सुविधाएं आपको यहाँ पे दिए जाने वाली है। लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है मेन अजमेर रोड पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन ये होने वाली है। और बात करें कमला नेहरू नगर पुलिया के बिल्कुल पहले की ये लोकेशन होने वाली है। स्टेट्स के प्रोविजन की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से देखिए स्टेट्स का प्रोविजन यहाँ पर आपको दिया जाने वाला है, और ये मिल जाता है लिफ्ट का प्रोविजन, 24 घंटे सिक्योरिटी, पानी लाइट सभी चीज़ों की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। ZD अप्रूव्ड है, ये लोनेबल प्रॉपर्टी है, 80-90% लोनेबल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दी जाने वाली है। देखिए बात करें नीचे की तरफ कोई भी कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड रूम का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया है और कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी बेहद खूबसूरत प्रोजेक्ट है। अब मैं इसका करवा देता हूँ आपको, जो 3 बेडरूम बने हुए हैं अपार्टमेंट है उसका क्विकली टूर, वो कैसे क्या बना हुआ है, कैसे क्या चीज़ें आपको दी जाने वाली है, फर्निश में क्या कुछ मिलने वाला है, सेमी फर्निश में क्या कुछ मिलने वाला है। तो आइए कैमरामैन चलते हैं हम डायरेक्टली अपार्टमेंट की तरफ। आइए तो फ्रेंड्स आपने देखा प्यारा से अपार्टमेंट का फ्रंट एलिवेशन साथ साथ में कुछ एमिनिटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको करवाऊंगा इसका कंप्लीट टूर कैसे क्या कुछ ये बना हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं एक बार आपको लॉबी दिखा देता हूँ कैसे क्या कुछ लॉबी होने वाली है। आपको देखिए बाहर जो है अपार्टमेंट का गेट्स कुछ इस तरीके से एक बार दिखाई देने वाला है। एक बार इधर की तरफ भी एक बार दिखा दीजिए कि कुछ शानदार तरीके से यहाँ पे लॉबी यहाँ पे डेवलप करके दी गई। एक फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 यूनिट यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब आइए देख लेते हैं इसका क्विकली कर लेते हैं टूर। मेन अगर मैं डोर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से पैरिसी सनमाइका के साथ काफ़ी हेवी और काफ़ी मजबूत गेट यहाँ पे डेवलप करके आपको दिया गया है। अब जैसे एंटर करेंगे डाइनिंग ड्राइंग एरिया का स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। देखिए आप देखेंगे काफ़ी बड़ा काफ़ी स्पेसियस यहाँ पे आपको स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरफ बात करें तो यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राइंग एरिया के लिए स्पेस यहाँ पे निकाला गया है, जो कि लगभग 8-10 सीटर स्पेस आपको यहाँ पे आराम से मिल जाता है। सोफे वगैरह के डिज़ाइन भी आप देख पा रहे हैं प्यारी सी डिज़ाइन, साथ में यहाँ पे टेबल की बात करें सेंटर टेबल की तो वो भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ यहाँ पे डेवलप की गई है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो ये देखिए आपका ड्राइंग के साथ डाइनिंग का स्पेस आपको निकल के मिलता है। आराम से आप 6-8 सीटर आराम से डाइनिंग यहाँ पे आप निकाल पाएंगे। ठीक इस तरफ देखेंगे प्यारा सा डिसेंट से एक वॉलपेपर का वर्क यहाँ पे करके दिया गया है। एसी फिटिंग की बात करें तो हर जगह जहाँ जहाँ नीड है एसी फिटिंग्स आपको प्रॉपरली वहाँ पे आपको मिलने वाली है। थोड़ा एक बार पीछे जाके दिखाइए कैमरामैन जी कंप्लीट यहाँ पे फुल सीलिंग की डिज़ाइन और साथ में जो फेंस है उनके अंदर जो झूमर की डिज़ाइन यहाँ पे लगाई गई है काफ़ी ब्यूटीफुल लुक ये यहाँ पे देने वाली है। और इस तरफ देखेंगे तो एक पैनल यहाँ पे वुडन का एक पैनल लगा के दिया गया है। इसके अंदर LED लाइट्स डाल के इसकी खूबसूरती को काफ़ी इंप्रूव करने के लिए ड्राइंग एरिया की खूबसूरती को इंप्रूव करने के लिए इसमें भी यहाँ पे LED लाइट्स डाल के डिज़ाइन करके दिया गया है। इस तरफ देखते हैं ड्राइंग के बिल्कुल सामने की तरफ तो यहाँ पे टीवी पैनल का स्पेस, जो कि बड़ा सा एक टीवी पैनल का स्पेस निकाले के दिया गया है। काफ़ी अच्छा पैनल इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी वुडन जैसी ग्रिलिंग का काम करके इसको यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ देखते हैं तो कुछ छोटे मोटे कैबिनेट्स भी यहाँ पे दिए हैं, कुछ सामान वगैरह रखना चाहें वो भी ईजिली आप यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। डाइनिंग ड्राइंग एरिया के इस तरफ सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको किचन का स्पेस मिल जाता है। देखिए किचन कितना स्पेसियस है, बड़ा सा किचन आपको यहाँ पे दिया गया है। L शेप में मिल जाता है देखिए आपको यहाँ पे टॉप और इसके साथ में टाइल्स का वर्क जो कि काफ़ी हाइट तक है। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी आप खाना वाना बनाएं ऑयल वगैरह के छींटे लगे तो आप इजीली उनको रिमूव यहाँ पे कर पाएंगे। आप देखेंगे फुली मॉड्यूलर किचन यहाँ पे बना के दिया गया है। कंप्लीट कैबिनेट्स वगैरह आप जैसे यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोलिक कैबिनेट्स यहाँ पे लगा के दिए गए हैं। और अब बात करें इनके कलर कॉम्बिनेशन की, वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। जैसे चिमनी आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ
वेंटिलेशन के लिए प्यारा सा एक विंडो का प्रोविजन में रखा गया है, जिसकी वजह से शाम को सुबह जब भी आप खाना बनाएं तो सफोकेशन ना हो, वेंटिलेटेड आपका किचन रहे, इसके लिए काफ़ी बेहतर ये चीज़ यहाँ पे दी गई। चिमनी लगाने के लिए भी, जैसे चिमनी ऑलरेडी लगी हुई है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बात करें यहाँ पे सिंक का प्रोविजन की, तो कुछ इस तरीके से इस कोने में यहाँ पे आपको बना के दिया गया है। किचन में भी आपको प्यारा सा फुल सीलिंग का डिज़ाइन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो एक बेडरूम इस तरफ दिया गया है। देखिए बेडरूम साइजेज आप देखेंगे कितनी बड़ी अच्छी साइज में बेडरूम यहाँ पे निकाल के दिए गए हैं। लगभग 12x14 की साइज में बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी देखिए छोटा मोटा काम जो है अभी यहाँ चल रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस पर वुडन का वर्क किया गया, इसमें सनमाइका वगैरह काम होगा, क्वेश्चन वर्क का काम हो चुका, बेड का भी थोड़ा बहुत काम होना बाकी है। सभी कंप्लीट काम करके आपको यहाँ पे दिए जाने वाले, अगर आप चाहते हैं उस बजट में लेना, दोनों बजट में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ सेमी फर्निश का बजट बताऊंगा, वो आपको उस बजट में यहाँ पे मिलने वाला है, फुली फर्निश का बजट मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे प्यारा सा फुल सीलिंग का वर्क आपको यहाँ पे भी दिखाई देने वाला है। ठीक इस तरफ देखेंगे बेड के सामने की तरफ, तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग कबर्ड्स का स्पेस मिल जाता है, जो कि प्यारी सी खूबसूरत सी सनमाइका के साथ इसको यहाँ पे डिजाइन करके दिया गया है। और ये मिल जाता है देखिए एक स्टैंडिंग बालकनी का ऑप्शन, जो कि स्टैंडिंग बालकनी दी गई है यहाँ पे यूपीवीसी विंडो के साथ, यूपीवीसी का गेट यहाँ पे लगा के दिया गया। एसी फिटिंग तो जैसे मैंने बताया हर जगह जहाँ जहाँ नीड है एसी फिटिंग्स आपको वहाँ पे मिलने ही वाली है। अब आइए इस तरफ, तो देखिए ये एक वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर वॉशरूम की बात करूँ तो देखिए काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम होने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिटिंग्स की, सोमानी जैसे ब्रांड की फिटिंग्स यहाँ पे लगाई गई है। टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखिए काफ़ी खूबसूरत टाइल्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। वेंटिलेटेड वॉशरूम रखने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन वेंटिलेटेड के ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। शानदार सा देखिए यहाँ पे हैंड वॉश के लिए प्यारा सा एक स्पेस काउंटर यहाँ पे लगा के आपको दिया गया। देखिए ये जो वॉशरूम है ये कॉमन प्लस अटैच दोनों होने वाला है। इस तरफ से कॉमन है, इस तरफ से अटैच है, जो कि मैं दिखाऊंगा कैसे क्या अटैच होने वाला है। बट पहले दूसरे रूम को हम देख लेते हैं। देखिए ये आ जाता है बेडरूम की साइजेज आप देखेंगे काफ़ी बड़ी बड़ी बेडरूम साइजेज यहाँ पे लगभग 14x14, 14x12, 14x13 ऐसी साइजेज आपको निकाली गई है। यहाँ पे देखिए मास्टर बेड यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, पीछे प्यारा सा क्वेश्चन वर्क तैयार किया जा रहा है। इसमें भी फॉल सीलिंग के डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग की डिज़ाइन आपको मिल जाती है। एज ए मास्टर बेडरूम ये डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। सामने की तरफ टीवी पैनल का स्पेस यहाँ पे निकल जाता है। और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पे स्टैंडिंग बालकनी का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। वैसे बड़ी बालकनी का ऑप्शन भी इसमें यहाँ पे दिया गया है। और इस तरफ एक बार दिखा दीजिए वॉशरूम, जो कि अटैच वॉशरूम होने वाला है। वॉशरूम के साइजेस काफ़ी प्यारी है, फुली वेंटिलेटेड वॉशरूम यहाँ पे रखे गए हैं। टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। देखिए ये आ जाता है बालकनी का स्पेस। फ्रंट में कुछ इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत बालकनी यहाँ पे डेवलप करके दी गई है। यहाँ पे टफन ग्लास के साथ एसएस की रेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो प्यारा सा वुडन स्ट्रक्चर का काम आपको यहाँ पे भी करके दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। जो थर्ड बेडरूम है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। आइए ये आ जाता है देखिए इसका अगेन एक मास्टर बेडरूम की तरह इसको भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। साइज इसकी भी काफ़ी ब्यूटीफुल साइज यहाँ पे रखी गई है, बड़ी साइज में है। पीछे की तरफ कंप्लीट ही यहाँ पे वुडन का शानदार सा पैनल लगा के दिया गया है। एसी फिटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी एसी फिटिंग आपको मिल जाती है। और फॉल सीलिंग की ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन अगेन आपको यहाँ पे मिलती है। देखिए सबसे यूनिक बात यह है यहाँ पे लोकेशन का तो शानदार एडवांटेज है, इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है देखिए आप स्पेसेस, हर चीज़ स्पेसेस रखी गई है। रूम साइज से लेके बाथरूम साइजेस लेके हर एक चीज़ बड़ी बड़ी, यानी सबसे बड़ा वाला घर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शानदार सा ऑप्शन यहाँ पे निकाल के दिया गया है। देखिए ड्रेसिंग के लिए और कबर्ड्स के लिए इस तरफ आपको स्पेस निकाल के दिया गया है। यहाँ पे मिरर लगा के दिया जाएगा और ये आपको मिल जाता है देखिए अगेन आपको स्लाइडिंग कबर्ड्स का स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाल के दिया गया है। इस रूम में जैसे मैंने बताया था आपको कि जो वॉशरूम था वो अटैच प्लस कॉमन कैसे होने वाला है, इस तरफ से देखेंगे तो जो वॉशरूम था वो आपको यहां से अटैच हो जाएगा। और अगेन इस रूम में भी जो बालकनी थी उस वाले रूम में और इस वाले रूम में, दोनों में ये बालकनी यहां से एक्सेस हो जाती है, यानी दोनों रूमों में बालकनी है। और अगर बात करें स्टैंडिंग बालकनी की तो जो फर्स्ट बेडरूम देखा था उसमें भी स्टैंडिंग बालकनी आपको मिल जाती है, और जो सेकंड बेडरूम देखा था उसमें भी स्टैंडिंग बालकनी आपको वहां पे भी मिलने वाली है। अब देखिए यहां पे ऑल ओवर बात कर लेते हैं साइजेस और प्राइजेस की। यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि टू बेडरूम और थ्री बेडरूम दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। टू बेडरूम के अगर मैं साइज़ की बात करूँ
लगभग 1050 स्क्वायर फीट के आसपास की टू बेडरूम साइजेस होने वाली है। थ्री बेडरूम की बात करूँ तो लगभग 1550 स्क्वायर फीट की साइज थ्री बेडरूम के यहाँ पे होने वाली है। बात की जाए प्राइस की तो टू बेडरूम की प्राइस 38,90,000 सेमी फर्निश की प्राइस मैं बता रहा हूँ, और थ्री बेडरूम की बात करें तो 58,90,000 सेमी फर्निश की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फुली फर्निश के लिए जो एक्स्ट्रा जो है सामान लगता है उसके हिसाब से चार्जेबल होगा। उसके लिए आप फोन कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो यहाँ पे प्रतिनिधि देखते हैं इस अपार्टमेंट को देखते हैं, उनके नंबर आपको मैंने दे दिए हैं, उनको जाके डायरेक्टली आप इस बारे में डिस्कस कर पाएंगे, अधिक जानकारी वहाँ से आप ले पाएंगे। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दे दी है। अंत में कहूँगा चैनल पर नए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।